सबका बाप अंगूठा छाप भोजपुरी फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके हाजिर हूं मैं अजय यादव। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लेट्स रोल टू द इंट्रो। पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में। सबका बाप अंगूठा छाप भोजपुरी फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में है दिनेश लाल यादव निरहुआ, फीमेल लीड है अक्षरा सिंह और साथ ही हैं श्रुति राव, संजय पांडे और मनोज सिंह टैगर जैसे बेहतरीन कलाकार। दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रदीप शर्मा ने और यही फिल्म को डायरेक्ट किया है पराग पाटिल ने। पराग पाटिल काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं। सबका बाप अंगूठा छाप का मेन मुद्दा ये है कि गाँव का एक लड़का कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करता है और यही इस फिल्म की कहानी है। हालांकि ये फिल्म तो थिएटर से निकल चुकी है लेकिन बहुत जल्द ये फिल्म आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेगी। फिल्म की स्टोरी, फिल्म का स्क्रीन पे लिखा हुआ है राकेश त्रिपाठी ने। फिल्म का म्यूजिक है मधुकर आनंद का। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे 13 जनवरी को रिलीज किया गया था और फिल्म को बिहार झारखंड में 12 थिएटर्स में, मुंबई में 10 थिएटर्स में और दिल्ली यूपी में 1 थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म साथ ही टोटल 25 थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और फिल्म को काफ़ी छोटी रिलीज मिली थी। इसी फिल्मों को काफ़ी अच्छी रिलीज मिले तो कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। आइए बात करते हैं फाइनली फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो कि होगा अंदाजन। एंड दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। दोस्तों फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 लाख यानी 8 लाख रुपये था। फिल्म का फर्स्ट वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 27 लाख के आसपास था। फिल्म ने लाइफ टाइम पे कमाई की है बॉक्सेस पे 88 लाख रुपीस और ये फिल्म बॉक्सेस पे फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्दी आपको टेलीविजन पे देखने को मिलने वाली है तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो टेलीविजन पे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी डिमांड भी कमेंट करें, हम आपकी डिमांड पर वीडियो जरूर बनाएंगे।